अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक बड़ा दावा किया है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला था और पॉम्पियो का यह दावा है कि परमाणु हमले के बाद भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जवाब में पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला था। पॉम्पियो ने अपनी नई किताब में यह दावा किया। अपनी नई किताब में लिखते हैं कि उन्हें यह बात भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताई थी और उस वक्त पॉम्पियो हनोई में थे और सो रहे थे और उनका दावा है कि जगाकर उन्हें सुषमा स्वराज से बात करवाए गए और इसी बातचीत में सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला है, पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला है और भारत भी पलटवार की तैयारी कर रहा है। यानी कि बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई उसके बाद बहुत कुछ भीतर ही भीतर घट रहा था और माइक पॉम्पियो की किताब में इस बात का खुलासा वो करते हैं कि वो तो सो रहे थे लेकिन उनसे बात करवाएगी, उनको उठाकर कहा गया कि बात करिए। तब सुषमा स्वराज तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री, उन्होंने बताया कि इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है भारत पर और भारत भी पूरी तरह से तैयार है, भारत भी पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार है। और माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में इस